ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप तो अकेले बेनिफिट्स लेंगे, उनको भी तो लेने हैं ना थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपकी तरह, ठीक है। अच्छा जाते जाते एक बार बता दूं आपको खाना कितना है, ये चीज भी, क्योंकि कहीं आप सोचे मुट्ठी भर के खाने शुरू कर दिया आपने। चैनल जतिन फिट ब्लॉग्स वंस अगेन माइसेल्फ सीनियर पर्सनल ट्रेनर फास्ट बॉलिंग कोच एंड एथलीट। इफ यू नो मोर अबाउट माय अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल सो दैट यू नॉट मिस एनीथिंग अबाउट माय अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोस। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं सनफ्लावर सीड्स के बेनिफिट्स, सनफ्लावर सीड्स के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिले और आप इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि होता क्या है आजकल हर कोई चाहता है अपनी बॉडी को फिट रखना। आप देख ही रहे हैं इंडिया में थोड़ा ग्रो हो रहा है फिटनेस को लेके, यू नो ट्रेंड। सो वो कैसे हमारी बॉडी फिट कैसे रहेगी, हमारी बॉडी फिट रहेगी अच्छे खान पान से, अच्छे न्यूट्रिशन से। और अच्छे न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चूजी सिलेक्टेड वो चीज़ें खानी पड़ेंगी जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए, राइट। और हेल्दी बनाने के लिए आपको वो चीज़ों को रेगुलरली यूज़ में लेके आना पड़ेगा, और उसके लिए आपको राइट इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, तभी आप उसे परचेज कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये वीडियो इसी के लिए, आप ये वीडियो इसीलिए है ताकि आपको उसके बारे में पता लगे और आप उसे अपनी डाइट में ऐड कर सकें। मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताऊँगा आपको इस सनफ्लावर सीड्स के बारे में, जो काफ़ी यू नो एक आपकी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है और साथ में यम भी है, और ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, तो हम डाइट डाइट की बात करते हैं इंडिया में, यू नो हमारी डाइट थोड़ी सी मैसी हो जाती है, हम स्वाद टेस्ट की तरफ ज़्यादा भागते हैं और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशियस जितना भी फूड होता है उसकी तरफ हम कम रहते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है कुछ भी चीज़ मार्केट में। अगर कुछ मिलती भी है इजीली तो वो है पकौड़े, यू नो ब्रेड पकौड़े, समोसे, और ये यू नो टेस्टी है ऑब्वियसली, पर इसकी एक रेशो बना लीजिए। ये आपको मैं बहुत अच्छा बोनस टिप दे रहा हूँ कि आपको अगर ये खाना ही है 70/30 का थंब रूल फॉलो करो आप, ये सबसे इजी, इसमें कोई रूल नहीं है। और वैसे भी अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं ये ज़रूरी है कि आपको एकदम वो बेकार सा टेस्टलेस खाना खाते रहे, बेमन मन मार के अपना वो खा ही रहे, खाए चले जा रहे हैं, ठीक है फिट होने के लिए, वो लगेगा नहीं सब, वो बॉडी पे लगेगा बिल्कुल भी नहीं। तो 70/30 में क्या है, सब चीज़ें खाइए, बॉडी को घी की भी ज़रूरत होती है, बॉडी को डेयरी की भी ज़रूरत है, बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। अपने किसी डॉक्टर से अपने पहले चेकअप कराइए, आप फिट हैं उसके बेस पर एक अच्छे न्यूट्रिशियस जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है उससे आप अपनी डाइट के बारे में पूछिए, उसके बाद ही आप इसे फॉलो करिए, ठीक है। कोई भी अगर डाइट होती है तो, क्योंकि कोई भी डाइट हर एक पे फॉलो नहीं होती, ये तो मैंने एक आपको ऐसी बेसिक टिप दे रहा हूँ कि आप इसे ऐसे ही फॉलो करिए कि आप इसमें मतलब 70/30 में 70% अच्छा खाइए और 30% वो खाइए जो थोड़ा कम न्यूट्रिशियस है, ठीक है। सो हेल्दी खाना जो थोड़ा सा कम हो, बट ये बिल्कुल कचरा हो वो आप खा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप इसे फॉलो करिए और इस वीडियो को लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले जैसे कि बेनिफिट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो पहला इसका जो बेनिफिट है, इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इसमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ विटामिन ई और ट्रेस मिनरल इसमें मिलता है हमें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में मैंने पहले अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया था, आप वो चाहे तो जाके देख सकते हैं। मैग्नीशियम आपकी स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है, मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसकी ये बहुत ही अच्छा एक मिनरल है जो हमें बहुत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है अगर आप इस हमारी बॉडी में रेगुलरली से अगर हम लेते रहें, कंज्यूम करते हैं पर्टिकुलर रेंज तक, पहली चीज़। दूसरी बात, इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा क्वान्टिटी में मिलता है। विटामिन ई स्किन, हेयर, नेल्स तीनों में काफ़ी हेल्प करेगा आपका, तीनों बहुत ज़रूरी है कि नहीं, तीनों की तीनों बहुत ज़रूरी है हमारी डेली की डेली लाइफस्टाइल में,
तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद स्किन हेल्थ। अब ये स्किन हेल्थ मैंने अपनी बात की थी, हेयर एंड नेल्स मैंने आपको बताया ही है, हेयर और नेल्स तो इसका बेनिफिट है, स्किन हेल्थ में ये कैसे बेनिफिट देता है आपको। स्किन हेल्थ में ये इस तरीके से बेनिफिट देता है, इसमें लायोनिक एसिड, ओलिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, जो प्रमोट करता है कॉलेजन सिंथेसिस को, और कॉलेजन सिंथेसिस की वजह से इससे आपकी जो स्किन है बूस्ट, स्किन ग्लो, स्किन हेल्थ बहुत अच्छी आपकी बूस्ट होती है इसमें। तो ये था इसका कुछ बेनिफिट्स। नेक्स्ट जो इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है आपकी, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने की वजह इसमें ये है कि इसमें बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में सेलेनियम एंड जिंक मिलता है। सेलेनियम और जिंक जो है वो आपकी ट्रिगर करती है इम्यूनिटी को, और इन्फेक्शन आपके पास जल्दी से नहीं आता, क्योंकि सेलेनियम और जिंक दोनों जो मिनरल हैं बहुत ही वाइटल मिनरल्स हैं, और दोनों बहुत ईजिली नहीं मिलते। यस, ये भी इसके एक खासियत है, ये जल्दी से हर चीज में आसानी से नहीं मिलते, खासतौर पर सेलेनियम और जिंक। तो ये दोनों की बहुत बड़ी अपने खुद में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, यू नो। और जिंक से तो ऑब्वियसली टी लेवल आपका होता ही है, टी लेवल पे बहुत बेनिफिट मिलता है, विच इज टेस्टोस्टेरोन, यू नो। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आने वाली कुछ वीडियो में, कि वो टेस्टोस्टेरोन कैसे और क्या वो सारी चीजें। अभी तो आप बेसिक बेसिक चीजें समझिए जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा ये आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें फाइटोस्टेरोल्स होते हैं। फाइटोस्टेरोल्स जो होते हैं वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में मदद करते हैं, कम करने में मदद करते हैं, जिससे कि आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करती है, ऑप्टिमम फंक्शन होता है उसका, और आपकी कार्डियक हेल्थ इम्प्रूव होती है। ऐसे नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी देखना होगा, स्ट्रेस को थोड़ा कम रखना होगा, क्योंकि पीस ऑफ माइंड सब कुछ है। अगर माइंड में पीस नहीं है, आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं, वो बेकार है, वो कुछ फायदा नहीं करने वाली, आपको ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान यही, इसीलिए खाना हमें खाना है अच्छा भी लगे, वो तब ज्यादा से ज्यादा बॉडी में लगेगा। मतलब डाइट भी फॉलो करे जा रहे हैं, उसके बाद वो बेमन से खा रहे हैं, दिल कर नहीं रहा खाने का, बस इसलिए खा रहे हैं कि फायदा है उसमें खाने से, तो वो कुछ टाइम तक के लिए करेगा वर्क, लेकिन 100% वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे बेवकूफों की तरह हमें डाइट को ऐसी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। उसका टेस्ट भी आना चाहिए, उसे आपको अच्छा भी लगे, और बाकी आपकी क्या डाइटिशियन कहती है उसको आप अच्छे से सुनिए वो क्या कहती है, उसके बाद आप इसे फॉलो करिए। ये तो बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है, राइट। अच्छा, इसमें जो आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक विटामिन पाया जाता है, विटामिन B1, थायमिन। यू नो, थायमिन बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जाइज रहती है। तो ये मैंने कुछ खास इसके बेनिफिट्स बताए, क्योंकि ये विटामिन B1, बी जो है, बी कॉम्प्लेक्स, बी की बाकी जो भी सीरीज है, B1, B12, आजकल हमारी डाइट में लैक होता है, खास तौर में जो वेजिटेरियंस हैं, क्योंकि मोस्टली ये नॉन वेजिटेरियन डाइट में मिलता है ज़्यादा। इंडियन वीगन फूड में, वेजिटेरियन में, वैसे दूध को हम वेजिटेरियन में मैं कर देता हूँ कहने के लिए, क्योंकि हम सभी दूध पीते हैं, पूजा में भी इस्तेमाल होता है, राइट। सिर्फ मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर अच्छी क्वांटिटी में आपको बी, विटामिन B12 मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो आप देखिए इन सीड्स की, इस सीड की कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें, समझ रहे हैं आप। तो आपको B1 इसमें मिल रहा है, ये कितने सारे बेनिफिट्स मैंने बताए हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आता, दोबारा पीछे जाइए वीडियो में, दोबारा उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, बार बार देखिए, नोट डाउन करिए, और उसको आप इंप्लीमेंट करिए, बेनिफिट देख के खाओगे तो और मजा आएगा, है कि नहीं। तो ये थे इसके कुछ खास बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स। आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, लोगों से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप तो अकेले बेनिफिट्स लेंगे, उनको भी तो लेने हैं ना थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपकी तरफ, ठीक है। अच्छा, जाते जाते मैं बता दूँ आपको खाना कितना है, एक चीज़ दी क्योंकि कहीं आप सोचे मुट्ठी भर के खाना शुरू कर दिया आपने, एक टीस्पून से शुरू करना है हमें हर रोज, ठीक है। आफ्टर रिकॉर्ड ले सकते हैं, खाना खाने के स्नैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा अच्छा स्नैक है, ठीक है ना। इसमें आप और, इसमें और भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जैगरी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको टिप दे दिया वैसे। तो ये आप इस तरीके से रेगुलर यूज करिए, इसका बेनिफिट उठाइए, लोगों से शेयर करिए। That's it. I hope you like this video.
Thanks for watching. Stay safe. Take care.